का ये हमारे मुंह पे एक तमाचा है बहुत जबरदस्त किस्म का कि हमने बोला कि सर हमें हम ट्रेड करना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं करना चाहते। लेकिन ये हमारे मुंह पे तमाचा तो बढ़िया से पड़ रहा है, हमें फील अब हुआ था खिलाना। मतलब आप लोग इस हक में हैं कि इंडिया के साथ जा रहा था टमाटर यहाँ पे हम इस हक में हैं, टमाटर आना चाहिए इंडिया का। इस दफा गंदम जो है वो भी इतनी फसल नहीं हुई क्योंकि नहरी निजाम हमारा और ऊपर पानी की कमी और फिर यूरिया की कमी, इसने जो किसान की ऐसे कहने की कमर तोड़ दी है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया था कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करने जा रहे हैं, हम गंदम खरीदेंगे, दूसरी अशिया खरीदेंगे, लेकिन अब अनाउंसमेंट इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से ये हुई है कि हम गंदम नहीं देंगे। वो लोग खुद ही उसको रखते हैं गोदाम में और उसके बाद वो खुद ही उसको जो है ना अपनी अपने फायदे के लिए बार्टर्स वगैरह ओपन करवाते हैं और वहाँ पे बेचते हैं, फिर वही गंदम हमें दोबारा खरीदनी पड़ती है। आपने खुद अभी पिछले दिनों देखा होगा कि हमने अफगानिस्तान को पहले दी और वापस वहीं से हमने वो दोबारा खरीदी। जय हिंद जय श्री राम दोस्तों। तो पाकिस्तान को भुखमरी से मरते हुए भारत की याद आई है और उसने अनाज की डिमांड की है भारत से, लेकिन भारत ने सिरे से इसे नाकार दिया है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, गंदम लेंगे, दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेंगे और कुछ चीजें हम देंगे भी, लेकिन इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने ये अनाउंस किया है आज कि हम अब गंदम में पाकिस्तान के साथ हम उनके साथ ट्रेड कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे उनके साथ रिलेशन ठीक नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तुर्की की, वो भी एक इस्लामिक कंट्री है और वो भी उसने भी इंडिया से ये बोला कि हम आपसे गंदम लेना चाहते हैं, तो इंडिया ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और उसे गंदम दे रहा है, पाकिस्तान को नहीं दे रहा, क्या वजह? देखिए पहली बात यह कि हमें अपने मुल्क को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी एक अपनी वैल्यू है, टर्की की अपनी इकोनॉमी अपनी वैल्यू, ठीक है। और सेकंड थिंग ये कि टर्की एक एस्टैब्लिश मुल्क है, ठीक है, एक स्टेबल मुल्क है, वो किसी के साथ भी कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान आई थिंक डोंट इन इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी के साथ कर सकते। हमारे मुल्क की एक अपनी पॉलिसी है, इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी अपनी पॉलिसी है, तो ये अगर उन्होंने बैन किया तो वो जाहिर बात है कि अपने किसानों को रिलीफ देने के लिए उन्होंने किया होगा। लेकिन जो हमारा मुल्की हालात जिस जगह पे अब हमारी मईशत खड़ी है या मुल्की हालात खड़े हैं, तो गुर्बत हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और आटे की कीमत भी तकरीबन 2800 तक पहुंची हुई है, 3200 रमजान में तो इससे भी ज्यादा थी। लेकिन अभी हमें चाहिए कि मुल्की जरूरियात को पूरा करें। बिल्कुल अमदाद के नाम पे हम इस तरह के काफी मामलात करते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल अब इस पे बड़ा सीरियसली सोचना होगा कि हम अपने आप को खुद कफील करने का सोचना चाहिए, ना कि दूसरे कंट्रीज को जो कि एंड पे हमें पैसे के नाम पे अमदाद हमारे करते हैं और जो कचरा बच जाता है वो पाकिस्तान में भेज दिए जाते हैं। तो अगर ये अपनी चीजों पे कंट्रोल करते तो हमें रशिया से ये ना गंदम लेनी पड़ती, इवन कि मेरे ख्याल से हमने शायद पीछे अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट की है, तो वो इनको पहले ये देखना चाहिए था पहले हमारे घर की जो जरूरियात है पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, उसके बाद की बात करते हैं। वजूहत होगी कि पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा टमाटर की कीमतों को आग लगी है। टमाटर जो है सिर्फ 10 से 15 दिन की शॉर्टिंग जा रही है, उसके बाद हमारे आपको 40-60 रुपए किलो मिलेंगे, 5-6 लाख की चिंते इकट्ठे शुरू हो रहे हैं, हैदराबाद, जमशाबाद, बदीन, फत्ता और उसके अलावा होटल भी अलग आ। जब ये 5-6 लाख शुरू हो जाएंगे, इसके अलावा जैकबाबाद और डेरा मराजमाली भी साथ ही शुरू हो जाएगा। तो क्या रेट जा रहा है अभी? रेट जो है वो मार्केट को कमेटी की रेट लिस्ट पे तो 120 रुपए किलो थोक में, लेकिन वैसे मंडी में से वो एक कम अज कम 140 से 145 रुपए किलो रात को पड़ता है। जब इंडिया से टमाटर आता था वहाँ पे जब तो वाघा बॉर्डर से आता था फिर तो सस्ता मिलता था, लेकिन जब फिर चोरी आने लगा कश्मीर के बॉर्डर से स्मगल होकर, उसकी वजह से इतना फर्क नहीं पड़ रहा है हमारा, वो क्यों वहाँ से आता था कम अज कम 10 दिन का टारगेट बन जाता था वहाँ से लोडिंग कोर्स इंडिया से प्रोसेस करने।